मेरी तरफ से सबको आदाब। मैं आज बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कुपवाड़ा पुलिस ने 17 लोगों को एक बहुत बड़े ड्रग मॉड्यूल में, जो स्मगलिंग का मॉड्यूल था, उसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं और कंट्रैक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल जो है, ये केरन से जो LOC का इलाका है वहाँ से ओरिजिनेट होके और इसको पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, जो तफ्तीश में सामने आया है। और यहाँ पे ताकि कुपवाड़ा में और बारामूला में लोगों को, जो बच्चों को यहाँ पे ड्रग बेचा जा रहा है और उससे पैसा कमाया जा रहा है। अभी तक की तफ्तीश में 17 लोगों की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिसमें 5 पुलिस वाले हैं और एक यहाँ बाप और बेटा, जो कि बाप दुकान करता है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता है और उसका बेटा भी शामिल है। इसके अलावा एक और चिकन पोल्ट्री शॉप का ओनर है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट भी है। इसके अलावा एक कंट्रैक्टर है और बाकी जो लड़के हैं वो यहाँ पे बाजार में जो छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं वो शामिल है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक शख्स जो कि पहले यहाँ पे एक्टिव टेररिस्ट भी रहा है, जिसका नाम शाकिर अली खान है और वो केरन का रहने वाला है, वो आज पाकिस्तान बेस्ड है और वहाँ से अपने बेटे, जिसका नाम तहमीद खान है, उसको ये ड्रग्स सप्लाई करता था, जो कि तहमीद केरन से लाके और यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करता था। अभी तक हमने लगभग 2 kg जो है वो हेरोइन जो है वो यहाँ पे बरामद की है, जिसकी मालियती जो बनती है वो लगभग 2 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से ये बेचा जाता है वो बनती है। इस मॉड्यूल में अभी तक हमें ये पता चला है कि लगभग 5 जो kg हेरोइन जो है वो स्मगल हुई है, जिसमें से मैंने जैसे बताया कि 2 kg जो है वो बरामद की गई है। लगभग 1 kg के आसपास जो है वो यहाँ और बारामूला में लड़कियों को तकसीम जो मतलब फरोख्त की गई है, बेची गई है। और इसके अलावा 2 kg जो है बकाया, उस पर अभी काम चल रहा है कि वो कैसे ट्रेस हो पाएगी। हमारे और भी एफर्ट्स जो है वो जारी रहेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा पुलिस ने इस साल में 85 ऐसे केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें लगभग 200 के करीब 191 लोगों के खिलाफ ये पर्चे लगाए गए हैं और 33 लोगों को जो हम किट NDPH, जो इसको जो नार्कोटिक्स में PSA जिसको बोलते हैं हम, लगता है वो 33 लोगों के खिलाफ PSA भी लगा है।